हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीक ऑफ सुपर न्यूज़। और इस वीक काफ़ी ज़्यादा नए अपडेट्स आए हैं, जैसे कि आयरन मैन की वापसी के बारे में, मार्वल के नए हॉकआई के बारे में और डिज्नी और सोनी की नई डील के बारे में। तो फुल्ली अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला अपडेट है व्हाट इफ की टीवी सीरीज से। तो मार्वल ने इस टीवी सीरीज़ के रिलीज़ ईयर को कन्फर्म कर दिया है और वो ईयर है 2021। और रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि इस टीवी शो के टोटल 5 एपिसोड्स ही टेलीकास्ट किए जाएंगे। तो दूसरा अपडेट है कैप्टन ब्रिटेन से। तो ये कैरेक्टर जल्द ही हमें व्हाट इफ की टीवी सीरीज़ में देखने को मिलेगा और ये रोल प्ले करने वाली है पेगी कार्टर। तीसरा अपडेट है स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के डायरेक्टर जॉन वॉट्स से। जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि फेज 5 में वो मार्वल के लिए नोवा की मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं। चौथा अपडेट है मार्शल अली से, जो कि मार्वल के फेज 5 में ब्लेड का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि मार्शल अली बैटमैन की अपकमिंग मूवी में कमिश्नर गॉर्डन का रोल प्ले करने वाले हैं। पांचवा अपडेट है फीमेल थॉर से। फीमेल थॉर की पहली झलक हमें देखने को मिलेगी व्हाट इफ की टीवी सीरीज़ में। नेक्स्ट अपडेट है स्पाइडरमैन के एमसीयू फ्यूचर के बारे में। तो सोनी ने मार्वल को 30% की एक डील ऑफर की है और अगर ये डील हो जाती है तो मार्वल में स्पाइडरमैन की एंट्री फिर से हो सकती है और इस डील के साथ ही मार्वल में वेनम की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि इस डील के मुताबिक सोनी स्पाइडरमैन से रिलेटेड सभी कैरेक्टर्स मार्वल को देगा। नेक्स्ट अपडेट है न्यू हॉकआई से। तो अब हॉकआई के रोनिन बनने के बाद से मार्वल में अब हॉकआई की जगह खाली है और अब नई हॉकआई होने वाली है केट बिशप्स, और इस रोल के लिए हेली स्टेनफील्ड का नाम सामने आया है। तो नेक्स्ट अपडेट है 45th सैटर्न अवार्ड से, जो कि 13 सितंबर 2019 को कैलिफोर्निया में हुआ था। और इस अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था अवेंजर्स एंड गेम को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। अब सबसे लास्ट अपडेट है आयरन मैन की एमसीयू में वापसी के बारे में। तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग रॉबर्ट डाउनी जूनियर ब्लैक विडो की सोलो मूवी में वापस आने वाले हैं और इस मूवी में हमें आयरन मैन का कैमियो देखने को ज़रूर मिलेगा और हो सकता है कि इस मूवी में हमें आयरन मैन के आगे के फ्यूचर के बारे में भी पता चले। तो ये थी हमारी आज की सुपर न्यूज़। होप श्योर कि आप फुल्ली अपडेटेड हो गए होंगे। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी सेफ।